नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ातरीन खबर पर एक नज़र। बीहड़ की रानी के नाम से जानी जाने वाली वीरांगना फूलन देवी का 58वां जन्म दिवस पालक विकास समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में धूमधाम के साथ मनाया गया। उक्त कार्यक्रम डॉक्टर सुभाष रायकवार की क्लिनिक पर पूर्व दस्यु धन सिंह के मुख्यातिथ्य एवं अमित राय भाजपा नेता के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। अध्यक्षता मनीराम रायकवार जिला अध्यक्ष मत्स्य पालक विकास समिति उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुभाष रायकवार, प्रदेश संगठन महामंत्री मत्स्य पालक विकास समिति उत्तर प्रदेश ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप व मोमबत्ती जलाकर और आसमान में गुब्बारे छोड़कर किया। इस दौरान स्वर्गीय फूलन देवी के चित्र के समक्ष लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सुभाष रायकवार, प्रदेश संगठन महामंत्री मत्स्य पालक विकास समिति उत्तर प्रदेश, मनीराम रायकवार जिला अध्यक्ष, मदन यादव, मान सिंह, आलम रायकवार, कमलेश पाल, रामपाल, खेमचंद, सुरेश, उमेश चंद्र रायकवार, जानकी कुशवाहा, बादल कुशवाहा, बीरू, राधे मामा यादव आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। जी, मनीराम रायकवार जिलाध्यक्ष में मत्स्य पालक विकास समिति झांसी जिला अध्यक्ष। आज हमारी बहन फूलन देवी का जन्मदिन हम यहाँ डॉक्टर सुभाष रायकवार साहब के क्लिनिक पर मना रहे हैं और हमारे समाज में लगभग हर घर में हमारी बहन फूलन देवी जी का जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और दुख के साथ भी ये कहना पड़ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बहन फूलन देवी की जो हत्या कर दी गई थी, हम उसके लिए सरकार से मांग करते हैं जो बहन फूलन देवी जी का हत्यारा है उस पर CBI जांच कर उसको उचित न्याय, उचित सजा मिले। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी समाज के लिए इतना ही कहूँगा कि अकेले हम लड़ेंगे तो मात खाएंगे या पीटेंगे, और संगठित होकर हम लड़ेंगे तो हम पीटने योग्य बनेंगे। मैं समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ आखिरी में कि मेरी समाज अपने आने वाले फ्यूचर को देख करके अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को पढ़ाए लिखाए ताकि हम अपना आगे का भविष्य सही तरीके से समाज लड़कर भी ले सकें। जय निशान। भैया, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर सुभाष रायकवार। अच्छा, ये आज आपने जो प्रोग्राम रखा है किस संबंध में रखा है? ये हमारी फूलन देवी जो वीरांगना आज के दिन जन्म हुआ था, इनका प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने जन्मोत्सव मनाया है। अच्छा, ये हर साल इसी तरह से मनाया जाता है या फिर पहली साल? हर साल हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, अच्छी तरीके से भव्य रूप से मनाते हैं। झांसी में इस बार यहाँ छोटे स्तर से हमने क्लिनिक पर रखा हुआ है। अच्छा भाई साहब, आने वाले 5 दिनों के अंदर 15 अगस्त का भी 15 अगस्त का आज़ादी का दिन आ रहा है जी। इस अवसर पर यानी नगरवासियों एवं देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त की बाद में देंगे, पहले तो हम अपनी फूलन देवी का देंगे, जो कि आज हमारा जो शेर सिंह राणा है आज़ाद घूम रहा है, जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की थी। भाजपा में बड़े बड़े मंचों पर जाता है, हमें कष्ट होता है ऐसे लोगों जो सजाए आपता मुजरिम किस बेस में बाहर घूम रहा है, उसको कड़ी सजा दी जाए, इसको मौत के घाट उतारा जाए। हमारा तभी हमारे सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हमारे फूलन देवी का सपना होगा, तभी हम हमारी रायकवार समाज का सपना पूरा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन